In this question, we are going to discuss a question which is based on chord of a circle. What is chord of a circle? Chord of a circle क्या होता है? ये अगर हम if we take any two points on the circle, ये circle के border पे एक point A है, और this is second point on the border of the circle. अगर हम इन दोनों को join करें, तो this is a line segment. This red line is a line segment. The जो line segment इन दो points को join करती है, इसको हम कहते हैं chord. तो ये जो red line है, ये chord है. ये chord जो है, ये circle को दो parts में divide करती है. ये जो छोटा वाला part है, इसको बोलते हैं minor segment. और ये जो ऊपर व्हाइट कलर का पार्ट है, ये कंप्लीट व्हाइट पार्ट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट. इस क्वेश्चन में जो बेसिकली जो हमने करना है, वो हमने इस पिंक कलर जो माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया फाइंड करना है. दिस इज द टारगेट ऑफ आवर क्वेश्चन. We have to find the area of this minor segment. तो इस minor segment के area को find करने के लिए हमें different steps करने पड़ेंगे. उसमें एक step ये होएगा कि हमें area of sector find करना पड़ेगा, area of triangle भी find करना पड़ेगा. तो चलते हैं, अब देखते हैं कि sector क्या होता है. हम ये line, ये जो line है OA, ये लाइन क्या हो, ये सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होती है और ये सर्कल के बॉर्डर पे एंड होती है. इस लाइन को हम रेडियस कहते हैं. तो इन द सेम वे ये जो लाइन है, जो ओ विच कम्स फ्रॉम ओ एंड टचेस द पॉइंट एट बॉर्डर एट पॉइंट बी, दिस इज आल्सो रेडियस आर एंड दिस इज आल्सो आर. तो दो रेडियस के जो बीच में जो एरिया होता है, उसको हम सेक्टर कहते हैं. वो कौन सा एरिया? दिस, ये जो सारा एरिया है, इसको हम सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं. इसमें ये वाइट और पिंक दोनों इंक्लूडेड है. दिस होल एरिया इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल. इसको अगर मैं सेपरेटली ड्रॉ करूँ, तो इसकी शेप इस तरह से नज़र आएगी. ये हमारे पास ये जो है ना, ये और ये दोनों, दीज बोथ आर कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल. ओके, तो इसी तरह से ये जो सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, और जो ये ऊपर वाला सेक्टर है, जो ये इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में है, इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं. तो अगर हम इस सेक्टर को यहाँ से ज्वाइन करें, ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है. तो अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो ये लाइन सेगमेंट क्या है? जी यस, इट इज़ कॉट. इस लाइन को बोलते हैं कॉट. ठीक है, ये लाइन कॉट. इस तरह ये जो लाइन ए बी है, या जो मैंने डिस्कस, ये कभी कॉट. तो कॉर्ड क्या करती है? वो सेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. जो कॉर्ड होती है, वो सर्कल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और अगर सर्कल के अंदर सेक्टर बना हुआ है, तो सेक्टर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो अब ये कॉर्ड क्या करेगी? ये कॉर्ड सेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी. जो ये वाला पार्ट है, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ट्राइंगल. तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. हमने क्या सीखा कि अगर हम सर्कल में दो रेडियस को लें, इफ यू टेक रेडियाई, टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल,
देन दीज टू रेडियाई डिवाइड द सर्कल इंटू टू पार्ट्स, वन इज दोज टू पार्ट्स आर कॉल्ड सेक्टर्स, दिस इज मेजर सेक्टर। And the one which is here between two radii, that is white plus pink, this is called minor sector. तो अगर मैं इस sector को दोबारा ये जो नीचे sectors को draw कर दूँ separately, so this is point A. And this is point B, just like. And if I join these two points A and B with a straight line segment, तो ये जो line segment है, इसको हम chord कहते हैं. तो let me draw this chord over here. तो chord ये क्या करती है, ये इस sector को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो नीचे वाला जो पार्ट है, दिस वन, इट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल. और जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, इट इज ट्राइंगल. तो ये था इसमें बेसिक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल, कि इसमें सेक्टर क्या होता है, और जब हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सेक्टर के बीच में, तो वो कॉर्ड क्या करती है, वो सेक्टर को डिवाइड कर देती है सेगमेंट में और ट्राइंगल के अंदर. अब हम चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ यू हैव द क्लियर आइडिया व्हाट इज सेगमेंट, what is sector, and what is the chord. So let's start the question. The chord AB subtend an angle of 130 at the center. So this is the chord, and it makes an angle of 130 over here. This whole angle is 130. The radius of the circle is 8 centimeter. So the line which joins O center with the border of the circle, it is called radius. So this is 8 centimeter. This is radius. So this is also radius. It is also 8 centimeter. Now we have to find the length AB. This AB is basically it is chord. And this white figure is called triangle, and it is isosceles triangle because the two sides of this triangles are equal. These two sides are 8 centimeter each, and as two sides are equal, this is isosceles triangle. Now we have to find the length of this side AB. To find the length of this AB, which is the side of an isosceles triangle, we will use a property of isosceles triangle, and we know that अगर हम इस isosceles triangle जिसकी दो sides equal हैं, इन दो sides के बीच में ये corner आता है, और अगर यहाँ से हम एक vertical line draw करें, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है. इफ वी ड्रॉ एन एनी वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट ओ विच इज बिटवीन टू इक्वल साइड्स, सो दिस लाइन विल डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स. इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, वन एंड द सेकेंड. ये लाइन यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और ये इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. तो ये एंगल 65 हो जाएगा, 65 ईच.
सो इन दिस वे हमारे पास वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ सेपरेटली ड्रॉ कर लूँ, मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। ओके, तो इसमें ये एंगल जो ओ है वो 65 है और ये लाइन ओ ए 8 सेंटीमीटर है। मैंने क्या फाइंड करा, मैं ये आई विल फाइंड दिस लेंथ, ये कितनी लेंथ है। तो इसकी सपोज इसको हम एक्स कह देते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा। तो बिकॉज ये यहाँ हम इसका कोई नाम रख लेते हैं, ये मिड पॉइंट है एम, तो ये भी एम। जितनी जो लेंथ ए एम की होगी उतनी ही लेंथ एम बी की होगी। तो पहले हम ये ए एम फाइंड कर लेते हैं, तो फिर इसको हम डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल ए बी की लेंथ आ जाए। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपने कोई लेंथ फाइंड करनी है तो हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। तो देखें ये एंगल है, इसके फ्रंट वाली जो साइड है हमने वो यूज़ करनी है, और 90 के जो सामने साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम ऑपोजिट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोकाटोवा तो कौन सा रेशियो अप्लाई होएगा, तो एक तो हमने ऑपोजिट साइड यूज करनी है और दूसरा हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज यहां पर है तो हम ये वाला रेशियो अप्लाई। ये रेशो क्या है, ये साइन है, एज पर साइन, साइन ऑफ एंगल, एंगल हमारे पास 65 है, और ये क्या होएगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ ओवर एच। ऑपोजिट हमारे पास एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 8 है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, 8 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 टाइम्स साइन ऑफ 65। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लेट मी चेक क्या आंसर आएगा, तो 7.25 एक्स जो है वो 7.25 है। ठीक है, तो इट शुड बी अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने लेंथ ए भी फाइंड, ए से बी तक फाइंड करनी है, तो ए एम जो हमारे पास लेंथ है ये ए एम आ गई हमारे पास। तो जितनी लेंथ ए एम ए से एम तक है उतनी ही लेंथ एम से बी तक है। तो अब हम अगर हम ए एम को डबल कर दें तो हमारे पास ए बी लेंथ आ जाएगी। तो ए बी लेंथ कितनी होगी, हमने क्या करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है। तो जस्ट यूजिंग द कैलकुलेटर अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ए बी की लेंथ है 14.50। तो अब आपने आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे देना है, बट एट द एंड आपको जो फाइनल आंसर है वो इट शुड बी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कैम्ब्रिज। तो द फाइनल आंसर इज 14.5 and it is in centimeter. So we have done the part. The length of AB is 14.5. The area of sector AB. So isme jo sector hai, what is sector? That this is the radius and this is also radius. So agar main isko draw karu yahan bahar, this is the radius. This is second radius, and if I join this with the arc, this is called sector of the circle. This whole one is sector of the circle. Okay, I have to find the area of this whole sector, which is ये triangle और ये जो pink area इस इन दोनों को join करो अगर इनको the area
एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस द एरिया ऑफ दिस पिंक कलर दैट इज सेगमेंट, इन दोनों को कंबाइन जो इनका एरिया होगा वो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा। इसका जो एंगल है वो 130 है और जो इसका रेडियस है वो 8 है, ये दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये भी 8 है। तो वट इज द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला? So this is the area of sector formula. क्या होता है थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर, तो इसका एंगल 130 है, सो दिस इज थीटा। एंगल को हम थीटा कहते हैं। समटाइम हम एक्स भी यूज करते हैं, एक्स ओवर 360, एक्स डिग्री, तो एंड पाई आर स्क्वेयर। तो चले इसमें वैल्यूज प्लग करते हैं, एंगल कितना 130 ओवर 360 एंड पाए आर की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। आपने कैलकुलेटर यूज करना है बट स्टेप्स सारे मेंशन करने हैं। अगर आप स्टेप्स नहीं मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। 130 इंटू पाए इंटू आर स्क्वायर 8 स्क्वायर। ओके सो द आंसर इज 72.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने जो पहला आंसर है वो आपने फोर सिग्निफिकेंट फिगर या थ्री से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर पे बताना है। आइदर इट शुड बी फोर और मोर देन फोर, ठीक, दिस इज द आंसर। बट द फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड अप टू थ्री सिग्निफिकेंट। जो आपने फाइनल आंसर बताना है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे बताना। तो अगर हम इसको राउंड करें अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, ये 72.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ये आपका आंसर। अगर आप इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड नहीं करेंगे फाइनल आंसर को, तो देयर इज अ चांस ऑफ कि एग्जामिनर आपका एक नंबर डिटेक्ट करेगा। चले अब नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, ओ ए बी। तो ये हमारे पास वाइट कलर की, जो अगर हम इस सेक्टर में ये लाइन को यहां से यहां ज्वाइन करें तो ये जो लाइन है इसको हम कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड क्या करती है? ये कॉर्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ट्राइंगल में और एक नीचे जो पार्ट है पिंक कलर का, इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज ओ A and B. तो इसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं, बट मैं यहां पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। इस फार्मूला की हेल्प से हमें बहुत कम स्टेप्स में ये इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक फार्मूला है, वो आप याद रखें, वो होता है हाफ साइड ए साइड बी एंड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? जो इन दो जो आपने दो साइड्स ली हैं इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए, आपने वो वाली दो साइड लेनी है जिनके बीच में जो एंगल है वो हमें पता होना चाहिए। तो आप देखें ये साइड 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये वाला जो कि 130 है, ये भी गिवन है। तो रिमेंबर हमारे पास जो दो साइड्स हैं वो उनके बीच वाला एंगल दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल, दैट मस्ट बी नोन, अदरवाइज ये फिर फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो इनके बीच में एंगल है वो 130 है। अब हमें ये फार्मूला हमने वैसे भी ये फार्मूला ग्रेड 10 में पढ़ते हैं, वहां पर हम अप्लाई करते हैं। जब हम पढ़ते हैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये फार्मूला हम वहां पर फ्रीक्वेंटली अप्लाई करें, और इन IGCSE कैलकुलेटर इज अलाउड, तो इस फार्मूला को अप्लाई करने में कोई इश्यू नहीं होता। चले इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइड ए बी 8 है
बी भी 8 है और साइन 130, तो इसको हम कहते हैं 2 1s, और आपकी मर्जी है आप इसको ये कट यहाँ पे कैंसिलेशन करें और तो आंसर आ जाएगा 24.51, 24.51। बिकॉज ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारा आंसर है। तो आपने ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला भी लिखना है, लेकिन जो फाइनल आंसर है दैट मस्ट बी राउंडेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमारे पास आ गया, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हो गया 24.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर शुड बी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा आप चलते हैं, हमने क्या करना है, हमने करना है एरिया ऑफ द पार्ट डी, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट शोन शेडेड दिस पिंक कलर शेड। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एरिया, ये जो फुल एरिया था सेक्टर का जो एरिया है, दिस इज सेक्टर एरिया, इस फुल ये सेक्टर का एरिया है, ठीक है, दिस इज सेक्टर, दिस होल वन इज सेक्टर, ठीक है। सो एरिया ऑफ दिस होल सेक्टर जो है उसमें से हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। तो अगर हम इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास फिर ये वाला एरिया रह जाएगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ द सेगमेंट शेडेड एरिया। तो चले हम, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर था वो हमारे पास अप टू 4 से, हमने कौन सा आंसर यूज करना है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो 3 सिग्निफिकेंट वाला है वो हमने यूज नहीं करना, सो इससे क्या होगा हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर जो था वो 72.61 और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था वो 24.51। इस फुल फुल सेक्टर का जो एरिया है, ये पूरे फुल का सेक्टर का जो एरिया है वो 72.5। तो एरिया ऑफ सेगमेंट वो क्या, फुल सेक्टर्स का एरिया जो है वो 72.61। इसमें से हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, दैट इज 24.51। तो हमारे पास ये वाला एरिया रह गया। जब सेक्टर में से इस ट्राइंगल को कट करके बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास ये पोर्शन रह जाएगा, एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो चलें करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ 48.1। सेंटीमीटर स्क्वेयर बिकॉज इट इज एरिया। तो ये आंसर जो है हमारा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर 48.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो दिस, इसका जो एरिया, द एरिया ऑफ दिस इज 48.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर।